जहां बारिश गर्मी से निजात दिलवाती है तो वहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है। परेशानी भी ऐसी कि लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर देती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं करनाल के वसंत विहार की, जहां बारिश के कारण गलियों में कीचड़ हो जाने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाचार एक्सप्रेस की टीम ने आज यहां वसंत विहार का दौरा किया तो वहां के लोगों ने बताया कि बारिश शुरू होते ही यहां पर गलियों में कीचड़ हो जाता है, स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस बात की बार बार निगम प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी यहाँ कोई हल नहीं होता। गलियों में पिछले 1-1.5 साल से पाइपलाइन का कार्य चल रहा है परंतु पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। अधिकारी समय पर कार्य नहीं कर रहे जिसके कारण यहाँ के निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार स्कूली बच्चे बारिश और कीचड़ में भीगने के कारण स्कूल में आने जाने के लिए भी परेशानी उठाते हैं। लोगों ने कहा कि मंत्री करणदेव कांबोज को भी बार बार इसकी शिकायत की गई परंतु कोई समाधान नहीं हो पाया। वहां के निवासियों ने कहा कि अगर उनकी समस्या का समय पर निदान नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में मौजूदा सरकार को वसंत विहार के लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि उनकी गलियों का दौरा किया जाए और उनकी दिक्कतों का समाधान किया जाए ताकि वह अन्य नागरिकों की तरह निगम द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं को पा सके और अपना जीवन ठीक से गुजर बसर कर सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। अभी हम खड़े हैं करनाल के वसंत विहार में और आप देख सकते हैं कि यहां पर गलियों की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है। मैम क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चों को हमने एक हफ्ते से छुट्टी करवा रखी है और हमें जैसे जॉब पे जाना तो मॉर्निंग में जॉब पे नहीं जा पाते हैं, कैसे करेंगे हम? किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आने जाने की दिक्कत हो रही है, व्हीकल से निकल पा रहे हैं बाहर, गाड़ियाँ घर पर खड़ी हैं, हम पैदल निकलते हैं, मतलब टूट टूट के निकलना पड़ता है इसमें से। तो गली तो अपने मतलब गरीब बने तब तो हम स्कूल जाएंगे ना, बच्चों को भी जाएंगे। कोई कंप्लेन नहीं किया, मतलब की है तो बनती नहीं गली, एक 2-3 साल से मतलब गली बनी नहीं रहे। देखो अभी हमारे साथ कांग्रेस के नेता ये भी यही बता रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की देखो आज पूरे हरियाणा की जहाँ पे भी बरसात के बाद आप कॉलोनियों का हाल देखोगे तो हर जगह पे पूरा जल का भराव है, लोगों का आवागमन है वो अधिकतर रुक चुका है। मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के अंदर इस सरकार ने, सरकार के अधिकारियों ने, सरकार के नेताओं ने लगातार सुध लेनी चाहिए थी और यहाँ पे आके जब उनको पता है कि बारिश जल भराव के बाद ये मिट्टी जो कच्ची पड़ी है वो गिली होगी, उसकी गारा बनेगी और वहाँ से निकलना मुश्किल होगा, तो पूरे 5 साल के अंदर इन विकास कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए था। आज ये लोग रुके मार मार के बोलते हैं कि हमारा जो विकास है वो पूरे हरियाणा के अंदर समान रूप से और हर जगह पे हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर जितनी भी कॉलोनियाँ हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने हैं, न बच्चे स्कूल टाइम पे जा पाते, न जिनको नौकरी के ऊपर जाना, नौकरी के लिए जाना होता है न वो नौकरी के लिए जा पाते। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है ये सीएम सिटी है, करनाल के अंदर जब सीएम सिटी का ये हाल है तो बाकी के 22 जिलों का हाल क्या होगा, ये आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मुझे लगता है टोटली ये सरकार का फेल्योर है, खट्टर साहब का फेल्योर है और आने वाले समय में जनता का ये दुख जो है वो उसके विरोध में वोट पड़ेगा। चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे सर, अभी चुनाव आने वाले हैं उसके बारे में? देखो हर व्यक्ति उस शख्स को चुनता है जो दुख दर्द में उनके बीच में खड़ा रहता है। आज अगर सरकार के नुमाइंदे 5 साल से जिनको चुन के अपनी सुविधाओं के लिए रखा था आज इनके बीच में नहीं आते, आज वो इनके दुख दर्द में खड़े नहीं होते और समान रूप से विकास नहीं करते तो निश्चित तौर पर जनता इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी और जो भी विकल्प के रूप में दूसरा नेतृत्व होगा उसको चुनेगी। थैंक यू सर। की जो गलियां खराब हैं, गलियां खराब का ये जो ठेकेदार काम ही नहीं कर रहा, देख लो कैसी हालत बनी है। आज 4 दिन बाद आके दुकान खोली, इतना बुरा हाल रखा है जी जी, और कोई बच्चा नहीं आ सकता, कोई बड़े नहीं जा सके, स्कूल जाने के लिए बच्चे कल भी नहीं गए बरसात के अंदर, ऐसे हालात बने हुए हैं कि जहाँ नर की जिंदगी हो चुकी है। कोई कंप्लेंट वगैरह की आपने पहले? कंप्लेंट पहले की आज 8 सेक्टर से मेरे पास फ़ोन आया था कि व्हाट्सएप पर डाल के रखो और उनको फ़ोन करो, शायद आप ही ने वहाँ गया होगा, वो अपना 8 सेक्टर में रहते हैं हमारे, हाँ जी उन्होंने बोला था कि आपके यहाँ आ रहे हैं वो, इसलिए मैं अभी यहीं अखबार पे आया हूँ जी,
और ये देख लो ये हालात बने हुए, सारी गलियां पानी पानी भरी पड़ी है। कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, कोई बाहर से आ नहीं जा सकता, कोई बीमार है कहाँ दवाई लेने जाए, कोई किसान बुरा है। क्या प्रॉब्लम हो रही है सर ये गलियां? प्रॉब्लम देखो आपके सामने ये गारे से मिट्टी से भरा हुआ, कीचड़ से भरा हुआ है, बाइक निकल नहीं पाती, बच्चे निकल नहीं पाते, पैदल का रास्ता भी नहीं है, सारी प्रॉब्लम है। किसी से शिकायत की है? शिकायत करीबन 4 साल से, मामला 5 साल से चल ही रहा है गवर्नमेंट को लगातार। तो 5 साल से ही गलियां वैसी स्थिति नहीं, गलियां तो 20 साल हो गई। पहले एक बात थी कि अप्रूव नहीं हो रही, लेकिन लोग तो यहाँ पे रह रहे ना, अप्रूवल है या नहीं है। जब जनता यहाँ से वोट दे सकती है तो क्यों नहीं काम क्यों नहीं करा सकती? किस तरह की समस्याएं आ रही है मैडम? सबसे ज़्यादा समस्या तो ये गलियों की है। इस टाइम शिवर डालने के नाम पे ये सारी गलियां बाढ़ गई थी ना, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, जब से बारिश शुरू हुई है तब स्कूल जाते हैं, और काम पर निकल जाते हैं तो घर आने का दिल नहीं करता, और घर आ जाए तो काम पर जाने का दिल नहीं करता। बाहर सब्जी मेन रोड पर साग सब्जी वगैरह दूध जो भी लेना बाहर लेना पड़ता है, घर से निकलना मतलब दुबर होगा, बिल्कुल जिंदगी नरक की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। कितने टाइम से यहाँ? 20 साल हो गए जी मेरे को आयुष्मान। 20 साल से यही और बुरा ही हाल है जी, 20 साल से यही हाल है जी, कोई दिक्कत मतलब कोई भी समस्या यहाँ हल नहीं हुई। आते वोट लेने के लिए आते हैं जब तो हाथ पैर जोड़ते हैं, और फिर वोट लेके कहते हैं आप लोगों ने तुम्हारे को वोट ही नहीं दी, बन के बैठ जाते हैं। कमाल की बात है कि मंत्री जी कई बार यहाँ पर इस सिचुएशन में आ चुके हैं, और उनसे स्पेशली इस बारे में बात भी की गई है, उसके बावजूद भी वो कहते हैं हाँ हो जाएगा। और यहाँ दो मेन अध्यक्ष हैं, पता नहीं मुझे नहीं पता कौन है बीजेपी के, उनको बुला बुला के दिखाया गया है, और बारिश से पहले ये समस्या गली ने सब डिस्कस भी की थी, तो उन्होंने कहा 3 दिन में 4 दिन में ये काम हो पाएगा। तो आगामी चुनाव आने लग रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी वोटिंग नहीं करना चाहिए जी, 1% आगामी चुनाव में तो कोई भी बसंत बिहार वाला वोट देने घर से निकलेगा ही नहीं, चाहे कोई कितना जोर लगा ले, हमने तो ये निर्णय ले लिया कि हम वोट डालने जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, विरोध करेंगे और विरोध करेंगे। चुनाव आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारी आवाज़ बनकर कॉलोनी की समस्याओं को उजागर किया, और मैं मीडिया को बताना चाहूँगा कि आज से लगभग हफ्ता करीब पहले मंत्री जी के पास विधायक हमारे इंद्री विधानसभा हल्के के ये एक ही कॉलोनी है, और इसमें इन समस्याओं को लेकर एक बस भरकर लगभग 100 बंदे के करीब विधायक जी के पास भी गए थे, और उन्होंने भी अब तक ठोस कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे तेज गति का उनको आ गया था, समस्या सुनाई गई थी, उसके बाद भी आज तक कोई हमें तेज गति नजर नहीं आई। और आगे चुनाव उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि वोट देना है नहीं देना है? आगे चुनाव जैसे आ रहे हैं विधानसभा के, तो अगर कॉलोनी का यही हालात रहा, चुनाव से पहले सरकार अगर नहीं संभली, कॉलोनी का विकास कार्य नहीं पूरा हुआ, तो कॉलोनी वासी बायकॉट करेंगे, ये कॉलोनी ने सरकार का बायकॉट करेंगे, कॉलोनी ने पूरी ये बीजेपी का मंशा कर रखी। हमारे चुनाव के बारे में क्या कहना? चुनाव के बारे में अगर काम नहीं हुआ तो हम तो पूरा बायकॉट करेंगे, हम तो दूसरी बार हम बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। क्या नाम आपका? महावीर सिंह मान, बसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान। सर सबसे बड़ी दिक्कत हमारे बच्चों को है जो स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग में आप देख सकते हैं ये रास्ता, देखिए आप सामने कितना गंदा रास्ता है, रास्ता भी हो सकता है सड़क ना भी करो, कम से कम इतना रास्ता बना दे कि बंदा निकल के जा सके, मतलब बीजेपी सरकार में इतना बुरा हाल है। इससे पहले तो हमारी पहले सड़कें ठीक थी, कम से कम आ जाते रहे थे हम। आगे चुनाव आने वाले हैं क्या कहेंगे? कुछ नहीं, चवाना होने नीचे ना, कुमारी गली में कोई एक बार मंत्री बढ़कर दिखा दो, ठीक है वोट तो दूर की बात रही, कोई एक बढ़ के दिखा दो तो बाद की बात है, वोट वाट देवेंगे तो बाद में सोचेंगे। गलियों में समस्या है? पूरा बसंत बिहार है जी, पूरा बसंत बिहार। तो एमसी मेयर? एमसी तो कभी दिखता ही नहीं, मैंने फेसबुक पर डाल रखी कितनी फोटो में बाइक फंसी हुई गिरी हुई, अगले कर अभी मैं करूँगा, बताओ ऐसे कोई होता है? मैं मालूम उनको चुन लिया हमने। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है सर? क्या प्रॉब्लम्स हैं? काफ़ी आप लोगों के सामने जो है बसंत विहार वासियों ने अपनी दिक्कत पेश की है, उसी को लेकर के हमने 2014 के अंदर अपनी बसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया था, ताकि इस कॉलोनी की आवाज़ को उठाया जाए, और वो बसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन अपना काम पूरा कर रही है। ये जो 1.5 साल से कार्य चल रहा है टाटा प्रोजेक्ट कंपनी का है, ये अभी तक खत्म नहीं होने जा रहा है, जबकि इन्होंने 25 दिन का टाइम लिया था मान्य मंत्री। किसको दोषी मानते हो इसके लिए? इसके लिए प्रशासन का जो है निगरानी जो है सबसे ज्यादा लापरवाही उनकी है,
भाई, इन्होंने निगरानी नहीं की। जो दिन जो साल का 6 महीने का काम था उसको 1.5 साल हो गए, लोग उससे सफर कर रहे हैं उस समस्या से। अब ये समस्या हमने माननीय मंत्री जी के सामने 11 तारीख को यहाँ से कॉलोनी से कम से कम एक बस गई थी। ओके ओके, वो बात हो चुकी है। हाँ। अब अगर आपकी समस्या नहीं हल होती हल तो नहीं, क्या कदम रहेगा? नहीं हल होगी तो परेशान आत्मा क्या करेगी? जनता का आक्रोश निकल के जनता का आक्रोश सामने आएगा।